Hello everyone. So we are going to start some new series, some new things, some new chapters. So this is the first chapter of class 9 science, that is matter in our surroundings. अब देखिए मैटर का मतलब क्या होता है. पहला क्वेश्चन ये राइज होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटर. अच्छा, मैटर होने के लिए सबसे पहले दो कंडीशन होना जरूरी है. पहली कंडीशन क्या है? इट शुड ऑक्यूपाई स्पेस. वो जो भी चीज है वो कुछ ना कुछ स्पेस घेरनी चाहिए. दूसरा, इट शुड हैव मास. अगर कोई भी चीज के अंदर मास है प्लस वो कुछ ना कुछ स्पेस अगर कैरी कर रही है तो वो चीज क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है. अब देखिए, ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो आपके आसपास अभी पड़ी होगी वो मैटर ही कहलाएगी. कैसे भाई? आपके पास जो टेबल पड़ी है वो मैटर है. क्यों? दोनों कंडीशन लगा के देखो. मास है जी उसमें, हाँ जी है. वो वजन गिर रही है, हाँ जी बिल्कुल गिर रही है. तो ये क्या है? मैटर है. आप अपने आसपास पेन देख लीजिए, पेन के अंदर मास है, हाँ जी बिल्कुल है. पेन स्पेस घेर रहा है, हाँ जी बिल्कुल घेर रहा है. तो ये भी क्या है? मैटर है. तो दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए? इट शुड हैव मास एंड इट शुड ऑक्यूपाई, वेरी गुड, इट शुड ऑक्यूपाई स्पेस. अब मैटर के फाइव बेसिक एलिमेंट्स जो होते हैं, मैटर इन पांच फॉर्म में होता है. एयर में होता है, अर्थ में होता है, फायर स्काई एंड वाटर में. ठीक. अब इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो बहुत छोटे पार्टिकल हैं. ऑब्वियस सी बात है कि सब अगर पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, पार्टिकल हमें विजिबल होने लगे तो वो चीज़ मैटर थोड़ी कहलाएगी. उन पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस जरूर होगा. थोड़ा बहुत स्पेस उन पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में जरूर प्रेजेंट होगा. और पार्टिकल्स कंटिन्यूस मोशन में हमेशा मूव करते रहेंगे और दे आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो एक मैटर का पार्टिकल दूसरे मैटर के पार्टिकल के साथ हमेशा क्या होता है? अट्रैक्ट होता है. ठीक. अब स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर हम बात करते हैं तो स्टेट्स ऑफ मैटर में तीन बेसिक स्टेट्स जो हैं वो हैं, और वैसे स्टेट जो हैं वो है फाइव. जो बेसिकली हमारे कोर्स में ज़्यादा हम पढ़ते हैं वो तीन स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस. पर उसके अलावा दो और होती हैं, दैट इज प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. अब देखिए, ये पांचों स्टेट ऑफ मैटर दे रखी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. अब मेजर है सॉलिड, लिक्विड, गैस. ये क्या होते हैं? अगर हम सॉलिड के पार्टिकल्स की बात करें, आप अपने आसपास कुछ भी जो सॉलिड की चीज रखी है उसे टच करके देखिए. आप अगर उसमें हाथ से उसे मारेंगे तो आपका हाथ उसके अंदर नहीं घुस जाएगा. हाँ, अगर आप कोई कराटे चैंपियन है तो फिर अलग बात है. तो सॉलिड के पार्टिकल जैसे कि आप देख रहे हैं कैसे हैं, बहुत ही पास पास हैं, पर क्या बिल्कुल ही चिपके हैं? नहीं. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके बीच में भी थोड़ा 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 स्पेस है. क्योंकि मैं हमने कंडीशन में क्या पढ़ा था कि पार्टिकल ऑफ मैटर हमेशा मूव करता रहेगा और मूव करने के लिए इसको स्पेस चाहिए. तो इसके बीच में थोड़ा बहुत स्पेस होता है. फिर ये लिक्विड के पार्टिकल हैं जी, ये फिर थोड़े थोड़े दूर दूर है. इनके बीच में स्पेस क्या हो गया? थोड़ा ज्यादा हो गया. स्पेस ज्यादा का मतलब क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में अट्रैक्शन कम है. यहाँ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तभी करीब है, यहाँ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हो गया. और ये हमारे गैस के पार्टिकल्स, ये काफी दूर दूर होते हैं. काफी दूर दूर का मतलब क्या हो गया? इनके बीच में काफी सारा स्पेस होता है और उसके अलावा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच का वो काफी कम है. और सॉलिड की अगर हम बात कर रहे हैं तो सॉलिड की शेप कैसी होती है? फिक्स होती है. वॉल्यूम फिक्स होता है. क्यों भाई? आसपास अपने देख लो, टेबल दिख रही है, टेबल का शेप फिक्स है, वॉल्यूम भी फिक्स है. ऐसा नहीं कि टेबल अमीबा बन जाती है, किधर भी फैल जाती है. इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस यही है जो मॉलिक्यूल्स या सॉरी मैटर्स के पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बड़ा कम सा है. इनकम्प्रेसिबल, आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हो. अगर आप चाहो कि इसे कंप्रेस करके कुछ और बना दो तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. हाई हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज. डिफ्यूज क्या होता है? कि उड़ नहीं जाता. जैसे गैस है वो अगर आप ओपन खोल दो तो उड़ जाती है. गैस सिलेंडर ऑन करके छोड़ दो, गैस उड़ जाएगी. घर में जाके मत ऑन कर देना गैस सिलेंडर, और भी रिपरकशंस होते हैं उसके. डेंसिटी हाई है. डेंसिटी का क्या मतलब होता है? व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी बेसिकली एक चीज, एक टर्म है जो ये कहती है कि इस पर्टिकुलर चीज को अगर मैं एक जगह पे रखूं तो ये कितनी जगह घेरेगी. जितनी कम जगह घेरेगी मतलब उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है. जैसे मैं कहूँ 1 किलो आयरन बहुत छोटी जगह में आ जाएगा, 1 किलो कॉटन बहुत ज्यादा जगह में आएगा. तो जो आयरन की डेंसिटी है वो काफी ज्यादा होगी.
तो जो इंटर पार्टिकल आपका फोर्स अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, और उसके अलावा जो पार्टिकल्स कैसे होते हैं, दे आर टाइटली पैक्ड, वो अच्छे खासे पैक्ड होते हैं। ठीक, अब अगर हम बात करें किसकी, लिक्विड की बात करें, तो लिक्विड का कोई भी शेप कैसा होता है, फिक्स नहीं होता है। लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। क्यों भाई? क्योंकि पानी को अगर आप कहीं पर रखो तो सब जगह उसकी जो शेप अलग अलग होती है। अब ग्लास में रखो, पानी ग्लास का शेप ले लेगा। आप कटोरे में रखो, पानी कटोरे का शेप ले लेगा। आप फ्लोर पे फैला दो जी, वो फ्लोर का शेप ले लेगा। तो इसका वॉल्यूम कैसा है? फिक्स्ड नहीं है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस अब फिर से क्या हो जाएगा जी? लार्ज हो गया थोड़ा सा। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या है, ये इनकम्प्रेसिबल होता है, ऑलमोस्ट डेंसिटी लोअर होती है, और इंटर पार्टिकल फोर्स अट्रैक्शन वीक होता है, और पार्टिकल्स होते हैं लेस क्लोजली पैक। लेस क्लोजली हम किससे कंपेयर कर रहे हैं इसको? सॉलिड से। गैस की बात करें, गैस का ना शेप फिक्स है ना वॉल्यूम फिक्स है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, कंप्रेस बहुत ज़्यादा कर सकते हो, डेंसिटी बड़ी कम होती है इसकी, और इंटर पार्टिकल फोर्स अट्रैक्शन बहुत कम हो जाता है। कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आराम से फ्रीली मूव करते हैं। आप देखिए, इजीली आप कह सकते हैं कि ये सॉलिड लुक्स लाइक कि अभी नया नया शादी हुआ एक कपल का, ऑलवेज क्लोज, अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी हाई। लिक्विड में आप कह सकते हैं 2-3 साल हो गए, और ये गैस हो गए जी, इनकी शादी को 10-15 साल हो गए। हाँ भैया, कहीं पर भी पड़े हुए हैं, तो करने के लिए है, ऑफेंस में नहीं लेना है इसको। फिर आते हैं दो अदर स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा का मतलब क्या होता है? प्लाज्मा मीन्स आयनाइज्ड गैस। तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक आयनाइज्ड गैस है, और प्लाज्मा क्या होती है? बहुत गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, और इफेक्ट किससे होती है? मैग्नेटिक फील्ड से। इसका इंडेफिनेट शेप होगा और इंडेफिनेट वॉल्यूम। 3-4-5 पॉइंट्स आपको इसके बारे में पता होने चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अगर हम इसकी बात करें तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में स्टेट ऑफ मैटर ये ऐसा है जो अराइज होगा बहुत ही लो टेम्परेचर्स पे। जब टेम्परेचर कहीं पे बहुत लो होगा तो ये अराइज हो जाता है। फिर साइंटिस्ट जो बोस आइंस्टीन के साथ वर्क करते थे, उन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता था 1995 में इसकी खोज करने के चक्कर में, मतलब इसकी खोज करने की वजह से। अब जो बोस आइंस्टाइन कैप कंडेंसेट है, इसके मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली पैक होते हैं, सॉलिड से भी ज़्यादा क्लोजली पैक, ध्यान रखिएगा। फिर अगर हम माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन करें तो सेम वही चीज़ है कि सॉलिड का डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, फ्लो नहीं होता है। किसी सॉलिड को बहते हुए देखा है क्या कभी? और लिक्विड की बात करें तो कंप्रेस हो जाता है, इनडेफिनेट शेप होती है। गैस की हम बात करें तो गैस आराम से कंप्रेस की जा सकती है और इजीली फ्लो होती है, वो इनडेफिनेट शेप। गैस का शेप होता ही नहीं कोई शेप, आप अपने आसपास देखिए, आपको ऑक्सीजन क्या किसी शेप में नजर आ रही है? आंसर इज नो। और प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कैपिटल में भी सेम वही चीजें गिवन है। फिर आता है इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। अच्छा, आप एक बात बताइए कि जो सॉलिड है क्या वो जिंदगी भर सॉलिड रहेगा, या जो लिक्विड है वो जिंदगी भर लिक्विड रहेगा? ऐसा कुछ नहीं है। जो सॉलिड, लिक्विड और गैस हैं वो आपस में चेंज भी हो जाते हैं। सॉलिड से लिक्विड बन सकता है, लिक्विड से गैस बन सकता है, गैस से सॉलिड बन सकता है, सॉलिड से गैस बन सकता है। बहुत सारी चीजें आपस में चेंज हो सकती हैं। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, और सॉलिड टू गैस जब कन्वर्ट होता है तो उसको क्या बोला जाता है। यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शंस। सो मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है। अब जैसे वाटर है, वाटर सॉलिड में भी रह सकता है जैसे एज एन आइस, लिक्विड में भी रह सकता है जैसे नॉर्मल पानी आप और हम पीते हैं, गैस में भी रह सकता है एज वाटर वेपर। अब एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आती है सब्लिमेशन की। सब्लिमेशन किसे कहते हैं? जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं, या फिर जब गैस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में उसे भी सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया, या आपके घर में कैम्फर है अगर, कपूर, तो कर्पूर भी क्या होता है? सॉलिड होता है, बट इजीली वो क्या हो जाता है? सब्लिमेट हो जाता है। अब इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर की अगर हम बात करें, तो जो टेम्परेचर है किसी भी चीज़ का
क्या इफेक्ट डालता है किसी भी चीज़ पे। जैसे नॉर्मल मैं एग्जांपल के साथ आपको ये पॉइंट समझाती हूँ कि एक आइस है, ठीक। आइस का टेम्परेचर मान लो, मैंने मान लिया -6 डिग्री था। अब मैंने उसे हीट करना शुरू किया और हीट करके वो 1 डिग्री पे आ गया, 2 डिग्री पे आ गया। 2 डिग्री पे आते ही उसका फॉर्म सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया जी, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब लिक्विड था जी, लिक्विड मैंने मान लो रखा जी 10 डिग्री सेल्सियस पे। अब मैंने क्या करा, इसको बॉईल करना शुरू किया और 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचते ही ये लिक्विड किस में बन कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब मैंने उस वेपर को क्या करा, उसको ठंडा करा और फिर से वो लिक्विड में चेंज हो गया। लिक्विड को मैंने फ्रीजर में रख दिया जी पूरी रात के लिए। अब वो क्या बन गया, वो फिर से सॉलिड बन गया। तो इसका क्या मतलब है कि टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और चीज़ें अपनी फॉर्म आसानी से चेंज कर सकती है। इसमें एक पॉइंट गिवन है कि मेल्टिंग ऑफ आइस, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का, जिसपे आइस मेल्ट होनी शुरू हो जाती है, वो होता है 273.16 केल्विन। अब जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, जिसमें सॉलिड क्या होता है मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज हो जाता है, उसको फ्यूजन बोलते हैं। अब इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर की बात करें तो प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करने पे भी स्टेट ऑफ मैटर आराम से चेंज हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है इन्होंने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का, उसको अगर अंडर हाई प्रेशर, उसको अंडर हाई प्रेशर पे रखा जाता है तो सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैशियस स्टेट। ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमोसफेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। नॉर्मल सिंपल सा एग्जाम्पल है, इसको रीड करके देखना। इफ देयर इज एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आता है जी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का, लेटेंट हीट। अब लेटेंट का मतलब क्या होता है? लेटेंट मीन्स छुपा हुआ, लेटेंट मीन्स छुपा हुआ, समथिंग विच इज हिडन। तो लेटेंट हीट की हम बात करें तो छुपी हुई हीट, एक हीट जो क्या है, छुपी हुई। अब ये क्या भला है भाई, इससे तो हम परेशान हो गए कि है क्या ये। तो लेटेंट हीट का क्या मतलब है कि ऐसी हीट जो होती तो है पर हमें दिखाई नहीं देती। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे बारिश का मौसम होता है, गर्मियों में थोड़ी सी बारिश हो गई मान लो, अब थोड़ी सी बारिश होते ही जो मौसम होता है वो और भी ज़्यादा परेशानी का हो जाता है और आपको खूब सारे पसीने आ रहे होते हैं, आप खूब ज़्यादा परेशान हो रहे होते हो कि भैया इससे ये जरा सी बारिश से तो अच्छा था कि नहीं होती बारिश। तो इसका मतलब क्या है कि जो बादल थे वो कैसे बने थे, हीट से बने थे। अब जब उनमें से थोड़ी सी हल्की सी बारिश हुई तो उस बारिश के साथ कुछ हीट वहां पे छुपी हुई थी, वो हीट ने भी क्या कर दिया, रिएक्ट कर दिया। तो द हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनको क्या बोला जाता है, लेटेंट हीट बोला जाता है। जैसे 0 डिग्री पे बर्फ भी होता है और 0 डिग्री पे पानी भी होता है, पर 0 डिग्री की बर्फ ज्यादा ठंडी होती है क्योंकि बर्फ से पानी बनने में कुछ ना कुछ हीट तो लगी होगी ना, तो वो हीट हमको दिखती नहीं है पर होती तो है। तो ऐसी कंडीशन को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल देते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की सिंपल डेफिनेशन है, व्हेन हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। अब वेपराइजेशन का क्या मतलब है कि एक तो डेफिनेशन क्या है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमोस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसका क्या मतलब है कि 100, जो आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी होगा और 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो गैस होता है वो भी होता है, वेपर भी होते हैं। अब 100 डिग्री का जो वाटर होता है वो ज्यादा खतरनाक होगा या 100 डिग्री की गैस? आंसर इज 100 डिग्री की गैस, क्योंकि वाटर से गैस में कन्वर्ट होने में कुछ ना कुछ हीट जो थी वो जरूर लगी होगी। इसको क्या बोल देते हैं हम, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, इसको बहुत अच्छे से रीड करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग में क्या आता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैसे होते हैं, हमेशा मूव कर रहे होते हैं। अब ये दोनों वर्ड हम पहली बार सुने तो हमें एक जैसे लगते हैं, पर दोनों अलग अलग होते हैं। वैसे सिंपल अगर हम इसको नॉर्मल लैंग्वेज में देखें कि जो चेंज हो जाता है जब गैस वेपर्स में, तो उसको इवेपोरेशन भी बोल देते हैं, बॉइलिंग भी बोल देते हैं, पर इनके बीच में बहुत सारा जो है क्या है, डिफरेंस है। देखिए डिफरेंस क्या होता है कि अगर मैं बात करूं इवेपोरेशन और बॉइलिंग में, तो बॉइलिंग है एक और एक इवेपोरेशन।
इवेपोरेशन क्या होता है? सरफेस फेनोमेना. सरफेस फेनोमेना यानी कि इतने पार्ट में अगर लिक्विड है तो लेयर बाय लेयर वो क्या होगा, वेपराइज होना शुरू हो जाएगा. यानी कि पहले ये ऊपर की लेयर होगी, फिर जब ये ऊपर की लेयर क्या हो गई, वेपराइज हो गई, तो फिर ये नीचे की लेयर होगी. फिर अगर ये वेपराइज हो गई तो फिर इसके नीचे की लेयर वेपराइज होगी. तो इवेपोरेशन क्या है? सरफेस फेनोमेना होता है. बट बॉइलिंग क्या होता है? बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेना. बल्क फेनोमेना यानी कि अगर मैंने इतना पानी रखा है तो ये सारा का सारा एक साथ ही रिएक्ट कर रहा होगा बॉइल करने के लिए. तो इट इज व्हाट? इट इज बल्क फेनोमेना. यानी कि सारे के सारे पार्टिकल्स एक साथ रिएक्ट कर रहे होंगे. बेसिक ये डिफरेंस होता है इवेपोरेशन में और बॉइलिंग में. अब आता है केल्विन एंड सेल्सियस स्केल्स. इसमें क्या क्वेश्चन बनता है? इसमें क्वेश्चन बनता है, मेन एक चीज ध्यान रखिए आप, ये वाला फॉर्मूला. वैसे तो 0 डिग्री सेल्सियस 273.16 केल्विन के बराबर होता है, बट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन वी टेक इट एज 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273 केल्विन. अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल होती है. अब ये वाले क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करते हैं? तो अगर आपको गिवन हो कि 36 डिग्री सेल्सियस इसको आपको कन्वर्ट करना होगा किसमें? केल्विन में. सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना, सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करते हुए जितना भी गिवन है उसमें 273 प्लस कर दो. समझ में आया? सेल्सियस से अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है, सी के बाद आता है ना कि प्लस हो रहा है ना कुछ, तो 273 प्लस कर दो. लेकिन अगर आपको केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना है तो कैसे? पहले आता है ना सी, तो इसमें से सिंपल 273 माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा. सो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस वाले चैप्टर के. इफ देयर इज एनी क्वेरी, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, यू कैन आस्क अस. वी विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर एज सून एज पॉसिबल. थैंक यू सो मच.